ब्रांडिंग होने के बाद भागलपुर का जर्दालू अब आम नहीं खास हो गया है, क्योंकि अगले महीने से इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा। मंगलवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समीक्षा भवन में कृषि पदाधिकारी व आम किसानों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि जर्दालू आम की मांग देश ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी है। इस वर्ष जर्दालू आम के निर्यात की संभावनाओं को लेकर कार्य योजना पूरी तरह तैयार है। एपीडा के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर जिले के 27 किसानों का चयन किया गया है, जो अपने उत्पाद एक्सपोर्ट करेंगे। जिला कृषि और एपीडा के अधिकारी बगीचों में जाएंगे और किसानों से बात करेंगे। किसानों के उत्पाद को निर्यात के लिए जिला प्रशासन हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया कि GI टैग के बाद एक्सपोर्ट कैटेगरी में जर्दालू आम का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। मई के अंत तक आंध्र प्रदेश का जर्दालू आम विभिन्न देशों में पहुँच जाएगा। हम लोगों ने आम को लेकर के जो यहाँ का जर्दालू आम है GI टैग जिसको मिला हुआ है, इस बार हम लोगों का प्रयास है कि ये आम निर्यात हो, इसके एक्सपोर्ट की जो व्यवस्था है, एपेडा सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है जो फैसिलिटेट करती है एक्सपोर्ट को, जो एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके वरीय पदाधिकारी से बात हुई है। और जर्दालू आम का पहले रजिस्ट्रेशन नहीं था एक्सपोर्ट कैटेगरी में, तो वो रजिस्ट्रेशन करा करके 27 किसानों का हम लोगों ने FPO है, उसमें जीविका के समूह है, उनका रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने करा दिया है। अब हम लोगों का प्रयास है कि एक्सपोर्टर के माध्यम से इस साल हम लोग एक्सपोर्ट करवाएं जर्दालू आम का। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जर्दालू आम उत्पादक किसानों की बैठक हुई थी, परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें कैसे जर्दालू आम का निर्यात देश से बाहर निर्यात हो सके, इसी पर परिचर्चा आयोजित की गई है। इसके लिए अभी तक आपको जानकारी में दे दूं कि 27 किसानों का एपीडा में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कोरोना के दौरान जिले में बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। DM ने बैठक में कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा है, अविलंब वहाँ पठन पाठन प्रारंभ करे, साथ ही बच्चों की उपस्थिति स्कूलों में 100% हो, इसकी व्यवस्था संबंधित अधिकारी करे। MDM में कोई गड़बड़ी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों के टीचर संवेदनशील और स्कूल का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। बेहतर माहौल और शिक्षा देने वाले स्कूलों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। शिक्षा विभाग की आज विस्तृत समीक्षा हुई है, 2-3 बिंदुओं पर खास हम लोगों ने ध्यान देने के लिए बोला है कि कोविड के कारण स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं रही है, स्कूल भी बंद रहे हैं, बच्चे भी पर्याप्त संख्या में स्कूल में नहीं पहुंच पाए थे। तो एक तो उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए स्कूलों में शिक्षकों की एवं बच्चों की, दूसरा जो स्मार्ट क्लास है वो संचालित हो अच्छे से ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, तीसरा है कि जो MDM का खाना होता है वो क्वालिटी खाना बच्चों को समय से मिल पाए, और किसी भी कारण से वो MDM का जो मील है वो बंद नहीं होना चाहिए। अगर वो बंद होगा तो उसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, वो। स्नातकोत्तर गांधी विचार विभाग में बिहार साइकिल एसोसिएशन और इंडियन ऑयल के तत्वावधान में मंगलवार को साइकिल रैली निकालकर ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को ईंधन बचत व प्रकृति की रक्षा के लिए शपथ भी दिलाई गई। सैकड़ों छात्र साइकिल पर सवार होकर गांधी विचार विभाग से विश्वविद्यालय स्टेडियम पहुंचे और जागरूकता अभियान चलाया। शोध छात्र रोशन सिंह ने कहा कि आज पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने की सोच की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे इसकी चिंता करनी होगी, अन्यथा हम किसी लायक नहीं बचेंगे। साइकिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौशल किशोर सिंह ने कहा कि पूर्वजों ने जिस प्रकार से प्रकृति को संरक्षित करने का काम किया है, वही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रकृति के साथ सहयोग कर ही प्राणी अपनी रक्षा कर पाएंगे। अभी हम सभी लोग इंडियन ऑयल और साइकिल एसोसिएशन और बिहार के तत्वाधान में साइकिल रेस प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम चला है, हर साल ये चलता है, जिसके तहत अभी हम लोग हरी झंडी दिखाकर बच्चों को रवाना किए और इसमें से जो भी प्रतिभागी हुए उसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी दिए। और कार्यक्रम के बाद हम लोग यही संदेश दिए कि जो साइकिल चलाकर लोग निकले हैं, यह सिर्फ साइकिल नहीं चलाए, यह प्रकृति की रक्षा के लिए एक संदेश दिए। मेन उद्देश्य है साइकिल को प्रमोट करना, जिससे कि जो है ईंधन का खपत कम हो, प्रदूषण कम फैले। ये हर एक साल जो है सक्षम द्वारा हर एक राज्य के हर एक शहर में आयोजित की जाती है।
पटना हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में राज्य सरकार द्वारा 16 चक्के वाले ट्रक के जरिए गिट्टी बालू आदि की ढुलाई पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 2020 में एक अधिसूचना जारी कर इन वाहनों द्वारा गिट्टी बालू ढुलाई पर रोक लगाई थी। बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन के सदस्यों ने इसे बड़ी जीत बताते हुए आगे का आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता दीप नारायण सिंह दीपक ने कहा कि न्यायालय का यह फैसला स्वागत योग्य है, किंतु सरकार अभी भी हमारे साथ सौतेला पूर्ण व्यवहार कर रही है। हमें झारखंड से माइनिंग चालान नहीं दिए जाते हैं, जबकि बिहार आने के बाद ट्रक मालिकों से अनाप शनाप राशि वसूली जाती है। अपनी मांगों को लेकर जल्द ही हम लोग न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। मौके पर एसोसिएशन के श्वेत कमल, आलोक सिंह, बबलू सिंह, राजा प्रसाद, गुड्डू सिंह, ट्रकों के अन्य मालिक मौजूद थे। पटना हाई कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, रिट याचिका जिसको बोलते हैं, वह रिट याचिका 1.5 साल में लगभग फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट भी बिहार ट्रक ओनर गया, उसके बाद लौट के आया, लेकिन लगातार बहस के बाद फैसला आया कि सरकार जो गजट लाई थी वह निरस्त कर दिया गया कल। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे बिहार में विजय जुलूस मना रहे हैं। मंगलवार को TNV कॉलेज ग्राउंड में टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच पर्वतीय 11 और सबौर के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पर्वतीय 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सबौर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर में 4 विकेट गंवाकर जीत हासिल कर ली। आपको बता दें कि 15 दिवसीय टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार व अन्य राज्य की 16 टीमों ने भाग लिया है। विजेता एवं उपविजेता टीम को विजय कुमार यादव, प्रशांत विक्रम एवं कोपल खान ने ट्रॉफी एवं पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। मौके पर संतोष कुंदन, नीतीश दीपक, रणधीर अमित कुंदन समेत कई खेल प्रेमी मौजूद थे।